नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूँ प्रशांत धवन। नाउ पर्सनली मुझे लगता नहीं था कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ेगी, बट हियर वी आर। ये मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ कि टर्की ने कर दिया है, बड़ा स्टेप चला है रशिया के अगेंस्ट। और ये पूरा टॉपिक समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक क्लिपिंग। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको दिखेगी एक लंबी सी कार्गो शिप। नाउ इस कार्गो शिप के अंदर है क्या, इसके बारे में किसी को 100% पता नहीं है, मगर यूक्रेन की सरकार का ये मानना है कि यहाँ पर रशिया की चोरी का सबूत मिलेगा। यूक्रेन की सरकार का कहना यह है कि इन्होंने ओवर द वीक्स ट्रैकिंग करी है कि किस तरीके से रशिया धीरे धीरे जब यूक्रेन का हिस्सा कब्जाता है, तब ये लोग काफ़ी बार यूक्रेन का गेहूं चुरा कर रशियन ब्रांडिंग के साथ इसको बेच रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि रशियन गवर्नमेंट रेगुलरली कुछ ना कुछ अर्न कर पाए। ये बड़ा आरोप लगाया था यूक्रेन ने रशिया पर, और अब यूक्रेन यहाँ पर कह रहा है कि ये रहा सबूत रशिया की चोरी का, ये जो शिप है यहाँ पे आपको यूक्रेन का गेहूं मिलेगा, जो एक्चुअली रशिया अपनी कार्गो शिप से इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पे आप अगर देखोगे ये ब्लैक सी है, ठीक है, ये यूक्रेन हो गया, ये रशिया हो गया। अब ब्लैक सी से आपको कुछ भी सामान बाहर दुनिया में लेके जाना है, तो एक कंट्री की कोऑपरेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो देश है टर्की। क्योंकि यहां पर आप देख पाओगे, आपको दिखेगा बॉस्फरस स्ट्रेट, ये एक जो नैरो कॉरिडोर है, इसी के जरिए शिप्स इस इलाके को पार करके पहुंचती है इंटरनेशनल मार्केट में। अब क्या है कि रशिया की कार्गो शिप जब ब्लैक सी से होते हुए मेडिटेरेनियन की तरफ बढ़ रही थी, तब यूक्रेन ने काफ़ी बार टर्की की सरकार को ये कहा कि देखो ये जो शिप जा रही है इसमें चोरी का सामान है, गेहूं हमारा यहाँ पर, रशिया गलत तरीके से इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगा, आप प्लीज़ इस शिप को रोकिए, इन्वेस्टिगेशन करिए और दुनिया को बताइए कि किस तरीके से रशिया हमारा गेहूं चोरी कर रहा है। इनिशियली पर्सनली मैं खुद बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे गलत साबित हुआ हूँ, मैंने इस पर वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि टर्की ये शिप रोकेगा नहीं। मुझे लगा कि मोस्ट प्रॉब्ली टर्की यही करेगा कि हम अभी के लिए न्यूट्रल हैं, हम किसी को रोकेंगे नहीं, मगर टर्की ने दुनिया को सरप्राइज कर दिया है। टर्की ने अचानक से रशिया की जो शिप है ये धर ली है स्ट्रेट पर, और यूक्रेन ने ये बात कंफर्म कर दी है। यूक्रेन की सरकार ने ऑफिशियली कहा है कि बिल्कुल जो रशियन शिप यूक्रेन का गेहूं लेकर इंटरनेशनल वाटर की तरफ जा रही थी, इसको टर्की की सरकार ने धर लिया है। और इस पर आप देखोगे दुनिया भर में आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है कि वर्ल्ड मीडिया इंटरेस्टिंगली देख रहा है कि टर्की क्या इन्वेस्टिगेशन करता है शिप की, क्या टर्की जांच पड़ताल करता है, और अगर जांच पड़ताल करी तो क्या रशिया इंटरनेशनली यहाँ पर एक चोर साबित होगा। क्योंकि वेस्टर्न मीडिया इसके बारे में बहुत ही लंबे समय से लिखता आ रहा है, बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है कि रशिया का सबसे नया एक्सपोर्ट क्या है। रशिया तेल एक्सपोर्ट करता है, नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ ये यूक्रेन का चोरी किया हुआ गेहूं भी एक्सपोर्ट करते हैं। ये काफ़ी बार वेस्टर्न मीडिया ने ये इसके बारे में रिपोर्ट्स पब्लिश करी। यहाँ पर आप देख पाओगे 3 जुलाई की रिपोर्ट है फ्रॉम वॉल स्ट्रीट जर्नल, किस तरीके से पुतिन ने फूड को वेपनाइज किया है, फूड को बना दिया एक नया स्ट्रेटेजिक वेपन। और बीच में देखो कई रिपोर्ट्स ने यह भी क्लेम किया है कि दुनिया भर में पिछले 2-3 हफ्तों में एक बात नोट करी गई कि गेहूं के प्राइसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जो गेहूं के प्राइसेस रिकॉर्ड तोड़ रेट पर पहुंच चुके थे, उससे थोड़ी सी गिरावट आई है, और इसका रीजन थोड़ा सा अजीब सा, इसलिए यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल में लिखा है द अनफॉर्चुनेट रीजन वीट प्राइसेस आर डिक्रीजिंग। अनफॉर्चुनेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इस आर्टिकल में लिखा है कि रशिया यूक्रेन का ही गेहूं इनकी ग्रेनरी से चुरा कर सीधा बेच रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, और यूक्रेन का कहना यह है कि सिंस रशिया ऐसा कर रहा है, तो जो भी देश रशिया से ये चोरी का गेहूं परचेज कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब यहाँ पर आप पूछोगे कौन कौन से देश हैं जो ये चोरी का वीट परचेज कर रहे हैं। एक तो रिपोर्ट आ रही है इजिप्ट ने किया परचेज, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही थी कि यूरोप के ही कुछ और देश है इटली, उसके अलावा पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये 3 मिलियन टन ऑफ वीट इंपोर्ट करने वाले हैं, इसमें से बहुत सारा वीट ये रशिया से भी इंपोर्ट करेंगे। तो हो सकता है कि बहुत सारा वीट जो पाकिस्तान में गया हो या फिर जाएगा, ये एक्चुअली चोरी का वीट है जो बिलोंग करता है यूक्रेन को। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन ये पूछोगे कि अगर मान लो टर्की ने जो शिप धर ली है रशिया की, इसकी ये जांच पड़ताल करते हैं, आप पता करते हैं कि अंदर बेसिकली जो भी वीट है कहाँ से आया है, इसका सोर्स क्या है, ये यहाँ पर पता करते हैं, और पता लग जाता है कि बिल्कुल ये जो वीट है ये बिलोंग करता है यूक्रेन को, रशिया चोरी कर रहा था वीट की,
तब क्या होगा? उसके बाद देखो ये इशू जाएगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और यहाँ पर रशिया की बुरी तरीके से बेइज्जती हो सकती है, क्योंकि रशिया इससे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसी टॉपिक पर लेकर जब डिस्कशन हो रहा था कि दुनिया भर में गेहूं की कमी महसूस की जा रही है, ग्लोबल हंगर बढ़ रही है, फेमाइन लेवल्स बढ़ रहे हैं, यूक्रेन वॉर का नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो रशियन फेडरेशन ने ऑन रिकॉर्ड उस वक्त कहा था कि यूएसए का जो क्लेम है कि ये लोग एक्चुअली बहुत सारा वीट होल्ड करके बैठे हैं, यूक्रेन के पोर्ट्स को ब्लॉक कर रखा है और काफ़ी बार ये लोग यूक्रेन का वीट खुद चोरी कर लेते हैं, ये सारे जो इल्ज़ाम है यूएसए के ये झूठे हैं। तो अगर रशिया यहाँ पे पकड़ा गया, इट विल बी ए मेजर एम्बैरेसमेंट फॉर रशियन फेडरेशन। उसके अलावा मैं यहाँ पर फिर ये भी ऐड करूंगा कि इसका एक रिएक्शन फिर ये भी हो सकता है कि गेहूं के प्राइसेस अचानक से बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिर वेस्टर्न कंट्रीज मोस्ट प्रोबली बाकी देशों को ये कहेंगी कि रशिया से अभी के लिए गेहूं मत परचेज करो, हमें पता नहीं है कि गेहूं का सोर्स क्या है। और फिर अभी एक बात ये भी है कि रशिया जो अभी रिपोर्ट्स क्लेम कर रही है कि जो यूक्रेन का गेहूं बेच रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, ये डिस्काउंटेड रेट पर बेच रहा है, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि गेहूं के प्राइसेस थोड़े बहुत गिरे थे। तो इस सब का इम्पैक्ट इन दी एंड मैं आपको बता रहा हूँ यही आएगा, गेहूं के प्राइसेस पॉसिबली एक बड़ा जंप मार सकते हैं। देखना यहाँ पर ये होगा कि टर्की अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या कंक्लूड करता है, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर मैं आपको नहीं देने वाला, आंसर आप लोग खुद करोगे कॉमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे इसका, उनकी कॉमेंट को मैं लाइक कर दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही उत्तर यहाँ पर क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बेलगोरोद, ये सर्च करोगे ना वर्ड बेलगोरोद, बड़ा न्यूज़ में है, बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं इस पर, तो आपको बताना है कि बेलगोरोद आखिर है क्या? क्या ये एक यूक्रेनियन शहर है, क्या ये एक रूसी शहर है, क्या ये एक बेलारूसियन शहर है, या फिर ये कोई शहर है नहीं, ये तो एक्चुअली एक बॉम्ब है। लिखेगा कमेंट सेक्शन में इसके बारे में, सही आंसर करो यहाँ पर। जो भी सही आंसर करेगा आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव दैट पर्सन कॉमेंट अ हार्ट।